MS बायो ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में जेट, नीट, ICR व रीट को ध्यान में रखा गया है। तो आज का टॉपिक है परिवहन के माध्यम। परिवहन के माध्यम के तीन प्रकार हैं जिसके हम बात करेंगे। देखिए, विसरण नंबर दो, सुसाध्य विसरण नंबर तीन, सक्रिय परिवहन। तो पहले बिंदु की बात करेंगे, विसरण। पदार्थ के अणु का उनकी अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण। देखिए, गैसों में विसरण दर होती है जो द्रव व ठोस की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। याद रखें कि गैसों में विसरण क्रिया द्रव ठोस की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, एक कमरे के कोने में इत्र या अमोनिया की बोतल खोल दी जाती है तो कुछ समय पश्चात वह विशिष्ट गंध होती है पूरे कमरे में फैल जाती है। अर्थात एक कमरे के कोने से यदि पानी को छोड़ा जाए तो क्या पानी गैस से पहले पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो हम कह सकते हैं गैसों में विसरण क्रिया होती है जो द्रव ठोस की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। देखिए, पौधों में विसरण द्वारा क्या होता है? निष्क्रिय परिवहन होता है। क्या होता है? निष्क्रिय परिवहन। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, विसरण दाब क्या है? डिवीजन प्रेशर। विसरित होने वाले पदार्थ के अणु की गति के कारण उत्पन्न दाब को क्या कहा जाता है? विसरण दाब, यानी DP, डिवीजन प्रेशर। विसरण दाब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर लगता है। ध्यान रखें, विसरण दाब होगा जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर लगता है। विलायक का विसरण दाब होता है सबसे अधिक होता है जब इसमें विलय पदार्थ मिला दिया जाता है, तो विसरण दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अर्थात विसरण कर रहे पदार्थ की सांद्रता पर विसरण दाब निर्भर करता है। तो ये विसरण दाब की बात थी। तो हम नेक्स्ट अगले पेज के ऊपर चलते हैं। पहले मैं इन लाइनों को इरेज कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर एक तापमान, डी समानुपाती टी, यानी तापमान बढ़ेगा तो विसरण क्रिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अर्थात डी बराबर विसरण दर, टी बराबर तापमान। तापमान बढ़ने पर विसरण दर बढ़ जाती है। जैसे गर्म खाने की खुशबू होती है जो दूर तक चली जाती है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ने के कारण पदार्थ के अणु की गतिशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जबकि कुछ समय बाद वो खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी खुशबू पास जाने पर भी नहीं आती है, जबकि खाना वहीं रखा है। तो कहने का मतलब, तापमान बढ़ने पर विसरण क्रिया क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नंबर दो, घनत्व की बात करेंगे। देखिए, विसरण की दर विसरित होने वाले पदार्थ के अणु के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात डी व्युत्क्रमानुपाती 1/√d। डी बराबर विसरण दर है और स्मॉल डी बराबर क्या है? घनत्व है। नंबर तीन है दाब, डी समानुपाती पी, यानी विसरण की दर दाब की समानुपाती होती है। प्रेशर बढ़ेगा तो विसरण दर बढ़ेगी। नंबर चार बात करें, माध्यम की बात करें। सघन माध्यम में विसरण दर कम होती है क्योंकि माध्यम के कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। जबकि विरल माध्यम में विसरण दर क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि विरल माध्यम में पदार्थ के माध्यम के कण होते हैं क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो याद रखें, ये विसरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि विसरण दर व घनत्व के बीच में संबंध है, तो एक ऑप्शन आपको ये डाल दिया जाएगा और तीन ऑप्शन गलत डाल दिए जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि घनत्व वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विसरण का महत्व, देखिए विसरण के क्या महत्व हैं? गैसों का विनिमय, यानी CO2 व O2 गैसों का विनिमय में कौन सी क्रिया सहायक होती है? विसरण क्रिया सहायक होती है। इसी प्रकार से हम बात करें प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जो कौन सी क्रिया से होता है? विसरण क्रिया से।
खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्रिया में कौन सी क्रिया सहायक होती है? विषण क्रिया सहायक होती है। हार्मोन वितरण में कौन सी क्रिया सहायक होती है? विषण क्रिया सहायक होती है। और यदि हम बात करें खनिज लवणों का अवशोषण विषण क्रिया के द्वारा ही होता है। वाष्पोत्सर्जन, परासरण एवं अंतःचूषण क्रिया विषण क्रिया पर ही आधारित है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे जो भी अगली क्लास होगी उसका वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।